हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। पहले इस तरह का एक सर्कल बनाएं और इस तरह की पत्तियाँ बना लें, यानी यहाँ से स्टार्ट करें और इसे एक के बाद एक बना लें। फिर इस तरह की लाइन बनाकर थोड़ा सा इसके क्रॉस में यहाँ पर एक फ्लावर बना लें। इस तरह से एक ट्रेसिंग बनाकर इसे ट्रेसिंग पेपर पर तैयार कर लें और इसमें होल करके इसे रेडी कर लें। ट्रेसिंग तैयार करने के बाद में हम चादर को दो फोल्ड करेंगे, यानी जो चौड़ाई वाला पोर्शन है सिरहाने साइड बना है, यानी पैर की साइड बना है, तो उसे हम इस तरह से दो फोल्ड करेंगे। इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर से दो बारिश की दूरी पर हम इसे निशान लगाएंगे। और इस तरह जो सेंटर आया है तो सेंटर में हम ये वाला पीस रखेंगे। इस तरह से इसे सेट करके पहले इतना डिज़ाइन ट्रेस कर लें, फिर उसके बाद में ये ट्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमने इसकी लंबाई में और इसे जॉइंट किया है, तो हम ये एक वाला पीस है जो ये, इसे फिर से इस तरह से जॉइंट करके ये पीस और छाप लेंगे, या जितनी लंबाई है हमारी, चौड़ाई है हमारी चादर की बॉर्डर बनाने के लिए, उसे हम जॉइंट कर करके छापते जाएंगे। ये एक साइड की छपाई करने के बाद में हम सेंटर से फिर डिज़ाइन को मिलाएंगे, तो ड्रेसिंग पेपर को अपोजिट करके फिर इस तरह से डिज़ाइन को मिलाएं, फिर इसे ट्रेस कर लें। अब ये लास्ट वाले पोर्शन में फिर और इसी वाली डिज़ाइन को मिक्स करके फिर ट्रेसिंग कर लें। बीच में इस तरह की हमने ये सिर्फ सिंगल पीस लिया है डिज़ाइन का, जो सेंटर वाला है, ये सेंटर वाला सिंगल पीस लिया है, तो ये बॉर्डर से आप इस तरह से एक एक बालिश की दूरी पर निशान लगा लें और इसके अंदर एक बालिश दो उंगल चार उंगल के गैप से निशान लगा लें दोनों साइड। तो ये हमने पहले थ्री बनाया, फिर इसी के क्रॉस में सा लेके दो, फिर एक, इस तरह डिज़ाइन को, ये वाली सिर्फ सेंटर वाली डिज़ाइन को प्रेस कर लें। इस डिज़ाइन को बनाने में लगा है पिंक 65 नंबर का, जो हमने यहाँ लिया है माव 15 नंबर का, MAUVE 15 नंबर का जो हमने यहाँ सेंटर में लिया है, लेमन येलो 236 नंबर का, सेव ग्रीन 21 नंबर का जो हमने यहाँ शेडिंग ली है वाइट, एंड है ये डीप ब्राइल पर्पल 64 नंबर का, फ्लैट ब्रश लीजिए 8 नंबर का, और ये है 0 नंबर का राउंड ब्रश लीजिए। ट्रेसिंग करने से पहले कपड़े को वॉश जरूर कर लें, इसका स्टार्च निकाल लें और फिर इसमें ट्रेसिंग करें।
इस तरह से ग्रीन सैप ग्रीन कलर निकालें और लेमन येलो कलर निकालें। इसका एक कॉर्नर ग्रीन में और एक कॉर्नर येलो में डुबाएं और इसे इस तरह से पहले इस तरह कर लें, फिर थोड़ा सा और डिप करें। अब ग्रीन अपर साइड होगा और लेमन येलो नीचे साइड होगा, तो पहले हम पत्ती में थोड़ा सा सांस ब्रश चलाते हुए जाएंगे और इसे इस तरह से नीचे लेकर आएंगे। ब्रश की पोजीशन इस तरह से रखना है। इस तरह से पहले पत्तियों में ये वाला ग्रीन कंप्लीट कर लें। 0 नंबर के ब्रश से ये वाला ग्रीन कंप्लीट करेंगे हम, जो लाइनिंग वाला पोर्शन है। ग्रीन वर्क कंप्लीट करने के बाद में इस तरह से हम पिंक और ये वाइट को निकाल कर इस तरह ब्रश में लेकर इसे भी इस तरह से लोड कर लेंगे, फिर और थोड़ा डिप कर लेंगे। इसमें पिंक वाला ऊपर आना चाहिए, पर्पल जो है। ब्रश को इसी खड़े पोजीशन में रखकर ये हम राउंड वाला पोर्शन घुमाएंगे। ब्रश में जब कलर ख़त्म हो जाता है तो उसे भी फिर से डिप करें और इसी तरह से लोड करें जैसे फर्स्ट बार में बताया था हमने। इस तरह से लोड कर लें, फिर और लें, फिर इसे कंप्लीट करें। फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद में हम ये पिंक से यहाँ पर फ्लावर का शेप बनाएंगे। तो इस तरह से आप पहले ये 4 इस तरह बना लें, फिर इसे स्ट्रोक इनके बीच में। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद में हम ये पर्पल कलर से ये 0 नंबर के ब्रश से इस तरह से बीच में पत्तियों का शेप लेके राउंड को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर इस कलर की बिंदियाँ ले लेंगे हम। ये फ्लावर कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर हम ये वाला ड्राई होने के बाद में लेमन येलो से इस तरह से पूरा थोड़ा सा राउंड बना के फिल कर देंगे। इस तरह से डिज़ाइन को कंप्लीट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।